इस कहानी को सुनने के बाद आज के बाद या तो आप हॉरर स्टोरी देखना बंद कर दोगे या फिर रात को बाहर निकलना और टहलना बंद कर दोगे। आप पर डिपेंड करता है कि आप स्टोरी सुनना चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे। ये कहानी मुझे हिमाचल से ही भेजी गई है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। तो हम यहाँ पे इस कहानी के दो पात्र लेंगे, पहला गोलू जिसने हमें ये कहानी भेजी है और दूसरा भोला राम जिसके साथ ये घटनाएं हुई हैं। गोलू जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है उनके दादा भोलू राम जी, उनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। यहाँ पे ज़्यादा जिक्र भोला राम जी का होगा। लाइट्स ऑफ कर लीजिए या ऑन कर लीजिए, या फिर आपके साथ कोई नहीं है तो किसी को बुला लीजिए। शायद ये स्टोरी सुनने के बाद या तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे या आपकी रूह कांप जाएंगी, या अगर आप रात को इस कहानी को सुन रहे हो और अकेले सोए हो तो फिर उसके बाद आप अकेले नहीं सो सकते। कहानी की शुरुआत करते हैं। बात 1980 के दशक की है, जब भोला राम जी वन विभाग में कार्यरत थे। एज ए अकाउंटेंट वन विभाग में जॉब किया करते थे। उनकी पोस्टिंग चंबा में होके रखी थी। उस समय हिमाचल में इतनी ज्यादा सड़कें नहीं थी, गांव गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे। भोला राम जी का गांव भी सड़क से दूर था। उन्हें जब भी घर आना होता था तो उनको रात के अंधेरे में 1-1.5 घंटे पैदल चल के अपने घर तक पहुंचना होता था। भोला राम जी छुट्टी का प्लान करते हैं। जिस दिन उन्होंने छुट्टी का प्लान किया उसी दिन उनके गाँव में एक मौत हो जाती है। वो एक औरत थी। भोला राम जी को 5 दिन बाद छुट्टियां मिल जाती हैं। भोला राम जी को इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है कि उनके गांव में एक औरत की मृत्यु हो गई है जो कि उनकी जानकार थी। गांव के लोग एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं और भोला राम जी भी उस औरत को बड़े अच्छे से जानते थे। भोला राम जी की छुट्टी सेंक्शन होती है, वो चंबा से बस लेते हैं। जहाँ उनकी बस रुकनी थी, जिस स्टेशन पे उन्हें उतरना था, वहाँ पर बस रात को 1 बजे पहुँचती है। वहाँ पर चारों तरफ सुनसान, बिल्कुल काला अंधेरा, कोई चांदनी रात नहीं। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और एक बैग था। वहाँ पर कोई घर ना झोंपड़ी कुछ भी नहीं था। आपने हमेशा महसूस किया होगा, आप जब भी रात को चलते हैं तो आपके मन में उल्टी उल्टी चीज़ें ही आती हैं। आपके मन में ऐसी कहानियाँ आती हैं जो आपने सुन के रखी हों, ऐसी भूतिया कहानी या फिर आपको किसी ने सुनाई है या फिर आप मोबाइल फ़ोन में सुनते हो, आप उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू कर देते हो। भोला राम जी थोड़े जानकार थे, उन्हें थोड़ी बहुत विद्या आती भी थी। भोला राम जी ने रात को 1 बजे अपने घर की तरफ सफ़र शुरू किया। जिस रास्ते से उन्हें जाना था उस रास्ते में शमशान घाट भी था और उसी शमशान घाट में 5 दिन पहले उस औरत को जलाया गया था। अब भोला राम जी के मन में ये बात तो थी, उन्हें पता तो था कि घर जाते जाते मुझे शमशान घाट के पास से होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन वो डरे नहीं, वो निडरता से चलते रहे। जैसे ही वो शमशान घाट के पास पहुँचे वैसे ही उन्हें वहाँ पे छनछन की आवाज़ आना शुरू हो गई। पहले आवाज़ धीरे से आई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार आवाज़ बहुत ज़ोर से आई जो कि उनकी पीठ पीछे से आई। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था ऐसी चीज़ें होना लाजमी है, क्योंकि अभी अभी इस शमशान घाट पर एक लाश जलाई गई थी। जब 3-4 बार छनछन होने के बाद भी उन्होंने पीछे नहीं देखा तो 10 फीट की दूरी उनके आगे एक औरत खड़ी हो गई। हार श्रृंगार सिंदूर गहने हर चीज़ लगा के वो आगे खड़ी थी। भोला राम जी ने उसके चेहरे पे नज़र नहीं दी, उन्हें महसूस हो गया ये कोई हो ना हो ये चुड़ैल ही है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि भोला राम जी को कुछ विद्या आती थी, वो जानते थे कि इन समस्याओं से कैसे निपटना है, इसलिए उन्होंने अपना बैग नीचे रखा, अपनी कमीज उतारी, अपनी पैंट भी उतारी और अपने अंडरगारमेंट्स भी उतारे। वो नंगे होके उस रास्ते से गुजरने लगे। वो चुड़ैल के बगल से गुजर गए लेकिन वो चुड़ैल उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। घर से थोड़ी दूरी पहुंचने पर उन्होंने कपड़े पहने और फिर सीधे घर चले गए। भोला राम जी ने ये कहानी गोलू को भी सुनाई थी। भोला राम जी ने एक अच्छी बात की कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्हें आवाज़ सुनाई देती रही। जैसे ही आवाज़ खत्म हो गई उन्होंने कपड़े पहने और वो घर की तरफ निकल गए। अब इस ज़माने में ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं मुझे नहीं मालूम, शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैंने भी कुछ कहानियाँ लोगों से सुनी हैं। अगर आपने भी सुनी है या फिर मुझे मेल करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहानी लिख के भेज सकते हो, मैं अपने माध्यम और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वो कहानी पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट और बहुत ही भयंकर कहानी के साथ। शायद वो कहानी आपकी या आपके किसी रिश्तेदार की होगी, अगर है तो मुझे मेल कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।